हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट फॉर ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप्स के मैंने यहाँ पे वीडियोस वगैरह डाले हैं, ठीक है। आप इनको एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। ये कुछ फेक चैनल्स है जो हम मेरे नाम से यहाँ पे लोग चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी में 4,000 सब्सक्राइबर है, किसी में 1,600 सब्सक्राइबर है। सच बताए तो एक में तो हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, हमारे डबल सब्सक्राइबर्स है वहाँ पे, ठीक है। तो ये फेक चैनल्स है जो यहाँ पे लोगों से पैसे वगैरह चार्ज कर रहे हैं, बहुत हाई अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। मैं कभी भी किसी भी तरीके का इतना ज्यादा अमाउंट चार्ज नहीं करता। मेरा एक ही कोर्स है जिसके बारे में मैं ना ही कभी प्रमोशन करता हूँ, जिन्हें विलिंगली ज्वाइन करना रहता है वो हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा एक ही कोर्स है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, ये 15,000 लाइफ टाइम वाला। इसमें आपको हमारे लर्निंग ग्रुप का एक्सेस दिया जाता है और फ्यूचर में मैं जो कोर्स रेडी करूंगा वो भी आप लोगों को इसमें एक्सेस देखने को मिल जाएगा। ये ऑल टाइम हमारा लाइफ टाइम कोर्स है, ठीक है। इसी में मैं सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि ये सारी चीजें चल रही हैं, यहाँ पे 80,000-70,000 ऐसे करके लोगों से लिए जा रहे हैं, तो ये सब ना ही मैं कभी चार्ज करता हूँ इतना अमाउंट और ना ही मैं कभी चार्ज करूंगा और ना ही मैं किसी भी तरीके के अकाउंट मैनेजिंग सर्विसेज या फिर PMS वगैरह चलाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब भी मेरे टेलीग्राम पे आ रहे हैं ना, तो इस पर्टिकुलर दो चैनल को ना, ये पहला लिंक है, इन दोनों लिंक को आप जितना हो सके जाके रिपोर्ट करें। और देखिए, मेरे एक फ्रेंड ने वहां पे उन लोगों से जाके बात करा था, तो ये वो कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजा है, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ये मेरा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कभी प्रोवाइड ही नहीं करता। और ये देखिए, ये भी वीडियो बना के मेरे फ्रेंड ने उनसे बात करा था, तो सारी चीजें यहाँ पे भेजी गई है, ठीक है, कि किस तरीके से वो हमारा नाम यूज करके, मेरे चैनल का नाम यूज करके लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन लोगों से बच के रहिएगा, ओके। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है ना, तो देखिए, ये एकमात्र हमारा ये जो वीडियो है, वीडियो में जब आप क्लिक मोर पे करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कभी भी हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करो तो इस लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करें, क्योंकि यही जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, यही एकमात्र लिंक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का है। और अगर आप किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारा लिंक शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा लिंक है, यहाँ से आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से भी आप फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लोग गलत जगह पे चले जा रहे हैं और उसके बाद लोग फंस जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है वो पर्टिकुलर स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं दो लाइन यहाँ पे मार्क कर दूंगा। पहला है हमारा ये वाला एरिया, दैट इज 549 का, और सेकेंड एरिया मैं मार्क करना चाहूंगा हमारा ये वाला एरिया, ठीक है। एक सेकंड, यस, ये वाला एरिया। अब अगर आप इस चीजों को ध्यान से देखो ना, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं चार्ट लेके चला जाऊं, देखिए प्राइस ने यहाँ पे 2007 से कंटिन्यूअसली इसी एरिया से रिजेक्शन शो किया है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट फेल हो गया, तो इस एरिया को काइंड ऑफ हम उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे। जब हम इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पर मैं बात करने आऊंगा, मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट दूंगा। बट इस चीज को आप एक बार समझिए कि 2007 के बाद से प्राइस वॉज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग फ्रॉम दिस एरिया ओनली, ठीक है, जो है हमारा यहाँ पे 549 का एरिया। देखिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया ना, एग्जैक्ट यहीं से मंथली टाइम फ्रेम का रिटेस्ट है, देखिए मंथली का चार्ट है, एग्जैक्ट यहीं से रिटेस्ट किया, प्राइस ने फॉल किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक बार होल्ड किया था, उसके बाद यहाँ से एक हमें बड़ी रैली देखने को मिली है। वीकली टाइम फ्रेम पे अब मैं यहाँ पे चला जाऊंगा ना, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, ये जो पर्टिकुलर लाइन मैंने मार्क किया है, यहाँ से देखिए रिजेक्शन था, ये 2017 यानी कि 7 साल बाद यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट होकर प्राइस यहाँ पे मूव करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा इस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिख जाएगा। ये देखिए आपका कप हो गया और ये हो गया आपका हैंडल, ठीक है। तो लोगों का देखने देखने का अपना अपना नजरिया है, बाकी यहाँ पे मुझे एक छोटा सा कप एंड हैंडल भी दिख रहा है। प्लस अगर आप प्राइस को ध्यान से देखें, तो प्राइस ने देखिए यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया और ये जो हमारा एक ऑल टाइम रेजिस्टेंस था ना, प्राइस ने उसे ब्रेक किया, शॉर्ट मैनिपुलेशन किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का चार्ट बनाया, उसके बाद प्राइस यहाँ से एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। एक बार को हम वॉल्यूम देख लेते हैं, देखिए ह्यूज वॉल्यूम के साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया और चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा तो इसने कितने परसेंट के आसपास का फॉल किया था, इसने फॉल किया था यहाँ पे ऑलमोस्ट 81% के आसपास का। 81% हम अगर ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें ना, एक बार को ये वाले एरिया से आ रहे हैं, बट मुझे पता है कि इतने में सेटल डाउन नहीं होगा, इसे और भी ऊपर जाना है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं
तो मैं आपको यहाँ पे दो टारगेट देना चाहूंगा। 1073 के आसपास चल रहा है, हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 1200 के आसपास का, मैं पहला टारगेट देता हूँ। सेकंड टारगेट 1332 का होगा, ठीक है। बाकी आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है, इसमें काफी पोटेंशियल है और आने वाले समय में एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर इस तरीके से भी मैं एक ट्रेंडलाइन मार्क कर दूं ना, ये देखिए ये हमारा एक ट्रेंडलाइन हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं ट्रेंडलाइन मार्क करूं तो यहां से देखिए फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन। जो थर्ड रिजेक्शन है ना, विथ वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखिए विथ वॉल्यूम यहाँ पे हमें मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है आपको, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट करूंगा, देखिए वॉल्यूम दिख रहा है आपको। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पे कितने सालों बाद ब्रेकआउट किया, 2007 के बाद यहाँ पे 2024 यानी कि 17 साल बाद का ब्रेकआउट है इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग। और यहाँ के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग देखे तो 7 साल के बाद पे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक का मैं आप लोगों के साथ नाम शेयर करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम है इस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम है सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब मैं आपको इसके क्विकली फंडामेंटल्स दिखा देता हूं। तो चलिए फंडामेंटल्स के स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स के फंडामेंटल के स्क्रीन पे। देखिए मार्केट कैप 422 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 52.2 का है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.1 का है। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.2%, बिलो एवरेज मैं बोलूंगा, बट ठीक है, पॉजिटिव है नंबर्स। यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे 10 के आसपास का है। तो यहाँ पे अभी तक ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बार भी स्प्लिट नहीं हुआ है। कंपनी 0.19% का डिविडेंड भी देती है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे लेस देन 1 है, तो हमारे लिए यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके क्वार्टरली सेल्स वगैरह एक बार को देख लेते हैं। देखिए क्वार्टरली सेल्स वगैरह यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए दिख रहे थे, बीच में थोड़ा सा ओपन नीचे हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें ग्रोथ होते हुए दिख रहे थे, ये भी थोड़ा सा ओपन नीचे हुआ है। एक बार ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर हमें कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए दिख रहे थे, फिर बीच में यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था और उसके बाद मार्च 2021 से यहाँ पे इसने जो स्पीड पकड़ा है कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे ग्रोइंग नंबर्स देते हुए दिख रहा था। बट यहाँ पे देखिए अभी ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखिए कंपनी ने 1% से डायरेक्ट 5% पे चला गया इसका, ठीक है। अब एक बार हम इसके बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे कंपनी के पास 91 करोड़ के आसपास का रिजर्व है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 44 करोड़ के आसपास का उनके पास कर्ज है, जो कंपनी चाहे तो आराम से पे ऑफ कर सकती है क्योंकि उनके पास रिजर्व में उतने पैसे हैं। इन्वेस्टर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 65.54% के आसपास के प्रोमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग है, जो वो कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक इंडिविजुअल दिख रहे हैं, दैट इज आर वेंकटारमन, जिनके पास 1.02% की होल्डिंग है। जैसा मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है कि screener.in पे वही सारे बड़े इंडिविजुअल दिखते हैं जिनके पास मोर देन 1% की होल्डिंग रहती है, उससे कम वाले होल्डिंग्स यहाँ पे शो नहीं होते, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो यहाँ पे 33.45% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक के पास है और यहाँ पे 65% यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको सारे नंबर्स वगैरह दिखा दिए, जो चीजें मुझे नोट आउट करानी थी मैंने आप लोगों को करा दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से चार्ट पे लेके चलता हूँ। मैं चार्ट पे आ गया हूँ दोबारा से और यहाँ पे देखिए प्राइस में जो जो चीजें मुझे आप लोगों को दिखानी थी मैंने सारी चीजें आप लोगों को दिखा दी है। मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा रिटर्न दे सकता है। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारे फ्री टेलीग्राम में चैनल में ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब के लिंक से ज्वाइन करिएगा, या फिर अगर आपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से आप ये लिंक भी शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, ताकि वो सही ग्रुप को ज्वाइन करें, किसी स्कैम में ना फंस जाए, ठीक है। तो यही वो पर्टिकुलर स्टॉक था जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता था। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।